फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। और आज मैं बना रही हूँ भरवा लाल मिर्च का अचार। ये स्टफ्ड मिर्ची का अचार होता है जिसमें मसाले अंदर स्टफ होते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन अभी ही इसका सीजन है, अभी बना लीजिए, नहीं तो साल भर ये मिर्ची नहीं मिलती है। इसलिए इसी सीजन में बना लीजिए और साल भर स्टोर करके रखिए। जब आपका मन हो तब आप किसी भी मील के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले मैंने क्या की है, मिर्ची को अच्छी तरह से धो ली हूँ और धोकर इसे 2 घंटे के लिए मैंने धूप में रख दी थी। अब आप सोचेंगे 2 घंटे के लिए मैंने क्यों रखी थी, तो 2 घंटे के लिए इसलिए रखी थी ताकि हमारी जो क्रंची मिर्ची जो क्रंची है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें जब हम मसाले भरेंगे तो ये फटेगी नहीं और ये बिल्कुल ऐसी ही रहेगी जैसी अभी है। तो सबसे पहले मैंने इसको धोकर सुखा ली है और इसकी बीज निकाल रही हूँ। बाकी मिर्ची की मैंने निकाल ली है, एक दो आपको मैं निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसके जो टिप्स हैं उसको हमें कट कर लेनी है और अपने नाइफ को घुमाते हुए इस तरह से एक एक करके पूरी चारों साइड से इसको इस तरह से कट कर लीजिए। और देखिए गोल घुमा के एक ही बार में बीज निकल जाती है। इसको टैप कीजिए और देखिए सारे बीज निकल गए। इसी तरीके से हमें सारी मिर्ची का बीज हमने निकाल ली है। और चलिए अब देख लेते हैं इसके मसाले। मसाले के लिए मैंने ली है सौंफ, सूखा धनिया, राई, नमक, ये सादा नमक है, काला नमक, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना, आमचूर पाउडर, अजवाइन, कलौंजी और जीरा। ये सारे मसाले मैंने ले ली है। और ले ली है 8 से 10 लाल मिर्च, ये सूखी वाली लाल मिर्च है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मिर्ची के बीज होते हैं वो भी डाल देते हैं मसाले में, लेकिन उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होती है, कोई फ्लेवर नहीं होता है उसका, तो इसलिए उसे स्किप कीजिए, मत डालिए। उसकी जगह पर सूखी लाल मिर्च यूज़ कीजिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आती है हमारे अचार में, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैंने धनिया डाली है, धनिया और सौंफ, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा भूनना होता है। और अब डाल रही हूँ जीरा। मेथी दाना और सबको मैं धीमी आंच पर रोस्ट करूंगी। मसाले को जब भी भूनिए तो धीमी आंच पर ही भूनिए क्योंकि इनकी जो ऑयल है वो धीरे धीरे रिलीज होती है ताकि हमारे मसाले जले ना और इनमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। देखिए हल्के से मसाले भून गए हैं और अब डाल दूंगी इसमें अपनी सूखी वाली लाल मिर्च। अगर हमें इसका पाउडर बनाना होता तो मैं मिर्च सबसे पहले डालती, लेकिन इसकी हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनानी है। जैसे चिली फ्लेक्स होती है उसी तरह की हमें मिर्ची का चूड़ा चाहिए इसमें, इसीलिए मैंने मसाले के बाद डाला है। बाकी के मसाले भी मैं डाल दी हूँ, जैसे कि अजवाइन, कलौंजी और मेथी दाना। मसाले हमारी रोस्ट हो चुकी है और देखिए मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसके कलर चेंज होने तक ही हमें भूननी है। और इसको एक प्लेट में निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दी है। अब कढ़ाही में मैं ले रही हूँ तेल। तेल ये लगभग 300 ml है और तेल को हमें गर्म करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है इसे, बस इतनी गर्म करनी है जिससे इसका जो एक रॉनेस होती है, कच्चापन होती है, वो निकल जाए। और गैस की फ्लेम को बंद करके इसमें मैं जो 1 चम्मच हींग ली हूँ वो भी मैं डाल दूँगी। तेल को ठंडा होने के लिए रख दी हूँ और अब जो हमने मसाले ठंडा होने के लिए रखी हुई थी, तो अब इस मसाले को हमें एक दरदरा पाउडर बनाना है। बहुत फाइन पाउडर नहीं चाहिए, एक दरदरा पाउडर बनानी है। अब इसी में मैं डाल दूंगी अपनी हल्दी पाउडर। थोड़ा सा मैं बचा कर रख रही हूँ कि अगर कलर ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा तो मैं डालूंगी, अगर इतने से ही कलर अच्छा आ जाएगा तो फिर मैं इतना ही रहने दूंगी। तो देखिए मैंने इसकी एक पाउडर बना ली है। और हल्दी जब मसाले हम पीसते हैं उसी टाइम डाल दीजिए, उससे क्या होता है सारे मसाले के ऊपर हल्दी का एक अच्छा सा कलर आ जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही हल्दी डाल दी थी। अब एक कांच की बाउल ले रही हूँ, इसमें मैंने डाल दी है अपने जो मसाले हमने पीसे हैं वो भी मैं डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसाले की क्वांटिटी आपके स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है तो उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी
उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टी चाहिए तो आप एक या डेढ़ चम्मच इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इतना ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा खट्टी चाहिए तो इसमें आप एक या डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि इस अचार में मैंने सिरके का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की है। तो कुछ लोग सिरके भी डालते हैं, अगर आपको भी सिरका डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन बिना सिरके के भी ये बहुत अच्छी बनती है। और सिरके में होती है केमिकल्स, तो हमें ज़्यादातर सिरके यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसमें अब मैं डाल रही हूँ सादा नमक। सारी स्क्रीन पे आपकी लिखी हुई आ रही है जितनी जितनी भी क्वांटिटी, मैं स्पून से मेजर करके डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो उतनी ही आप भी डाल सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी काला नमक। काले नमक से बहुत ही अच्छी सी टेस्ट और बहुत अच्छी फ्लेवर आती है अचार में, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो काला नमक एक बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल दी हूँ, और जो थोड़ी सी हल्दी हमने बचा के रखी थी वो भी मैं डाल दूंगी इसमें अच्छे कलर के लिए। अब मुझे थोड़ी सी नमक में गुठली दिख रही है, तो इस तरह से इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो जब हम अचार भरेंगे तो मुंह में कभी कहीं कहीं ज़्यादा नमक का टेस्ट आएगा। और अब मैं इसमें जो हींग हमने पकाई थी ऑयल में, अब वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करूंगी। तेल जब गुनगुना हो तभी हमें इसमें डालनी चाहिए, इससे नमक को अच्छी तरह से मिलने में हेल्प होती है। और ये फ्लेवर्ड ऑयल है क्योंकि इसमें हमने हींग डाली थी, और हींग इस अचार के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन हींग जब भी डालिए तो कच्ची हींग नहीं डालिए, जब भी हींग डालें थोड़ी सी उसे गर्म ऑयल में पका लीजिए फिर उसे डालिए, इससे अचार में बहुत अच्छी फ्लेवर आती है, बहुत अच्छा टेस्ट। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लीजिए हाथों की हेल्प से। एक बार ऐसे अभी गर्म ऑयल है तो इसलिए मैंने इसको स्पैचुला की हेल्प से मिक्स की है, और देखिए हाथ से मिक्स करके इसको बिल्कुल एक जैसा कर लीजिए और थोड़ी सी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने नमक डाली है तो अभी अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो समझ आ जाइए कि नमक कम है या ज़्यादा है, या फिर आप जितना खाते हैं उसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ मिर्ची, और मिर्ची को एक स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसमें मसाले डाल डाल के इसको भर लूँगी। ये अचार बहुत टेस्टी लगती है खाने में, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मिर्ची को भरना, क्योंकि हर किसी से अच्छी तरह से ये मिर्ची भरती नहीं है, और इसमें क्या क्या दिक्कत आती है ये भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जब भी आप मिर्ची को भरते हैं स्पून के पिछले हिस्से से भरिए, ताकि ये पतली होती है तो नीचे तक बिल्कुल मिर्ची के में मसाले जाएंगे और अच्छी तरह से स्टफ होगी हमारी मिर्ची। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इसे धूप लगाएंगी तो सबसे दिक्कत आती है कि धूप लगने के बाद थोड़ी सी ये मिर्ची सिकुड़ जाती है, तो जब ये सिकुड़ जाएगी तो फिर हमारी जो मसाले हैं वो दिखेंगे नहीं, नीचे से आपकी मिर्ची दब जाएगी। लेकिन अगर अच्छी तरह से स्टफ होगी मिर्ची तो हमारी मिर्ची दबेगी नहीं, बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। दूसरी जो दिक्कत आती है वो तब आती है जब हम इसमें ऑयल डालते हैं। जब हम इसे सूखने के बाद इसको बर्नी में रखते हैं तब बहुत सारी दिक्कतें आती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप मिर्ची को ऑयल में डिप करके बर्नी में डालेंगे, और जैसे ही उसमें ऑयल डालेंगे धीरे धीरे आपके मसाले निकलने लगेंगे, क्योंकि ये ड्राई मसाले हैं, गीले मसाले नहीं हैं, तो ये जब ऑयल में जाएगी तो ये निकलने लगेगी। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छी तरह से स्टफ करें, ताकि जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल भी इसमें से मसाले नहीं निकलेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो अब जो हींग वाली ऑयल है उसी में मैं अच्छी तरह से मिर्ची को डिप कर करके एक दिन धूप लगा दूंगी, और धूप लगाने के बाद इसे मैं डाल दूंगी एक एयर टाइट कंटेनर में या अचार की बर्नी में, जिससे हमारी अचार सुरक्षित रहेगी, एक साल दो साल खराब नहीं होती है ये अचार, और जब मर्जी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही होगी।
मेरे चैनल पर और भी कई सारी अचार की रेसिपी है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं इसे एक दिन धूप लगाकर, देखिए डाल दी हूँ, ऑयल डिप करके इसको डाल दी हूँ एक अचार की जार में। और देखिए अचार हमारी कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस तरह से बनाइए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।